हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। सो मैं आपको बताने वाला हूँ APPCET के जो रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड हो चुका है उसे कैसे चेक करें। तो इस वीडियो को स्किप ना करें और इस वीडियो को पूरा देखें, इसे आपका फ़ायदा होगा। तो इस चैनल को, इस वीडियो को स्किप ना करें। तो किसी भी ब्राउज़र पे हमें google.com ओपन करना और उसमें लिखना है APPCET 2020 IAS पेपर। IAS पेपर एक ऐसी वेबसाइट है जिसपे एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जिसपे APPCET से सारे अपडेट्स और नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट डेट्स टाइम टू टाइम और अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो मेक श्योर करें, इसे बुकमार्क कर लें और इसे किसी भी ब्राउज़र पे google.com करके और APPCET 2020 IAS पेपर लिख के सर्च करें। सर्च करते ही आपके सामने एक इंटरफेस आएगा जिसपे लिखा रहेगा APPCET 2020 एडमिट कार्ड रिलीज। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही हम नए वेबसाइट, नए पेज पर आएंगे जिसका हमें ज़रूरत है। तो APPCET 2020 रिजल्ट हैज़ बिन डिक्लेयर, जो आज ही के दिन डिक्लेयर हुआ है। हम यहाँ पे और चेक कर सकते हैं, इसका फुल फॉर्म है आंध्र प्रदेश फिजिकल एजुकेशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो स्टेट लेवल में होता है। UGPD एडुकेशन ये सब करवाता है। और इसकी बॉडी कंडक्टिंग बॉडी है। इससे पहले जो ये आपके सामने फॉर्म आए, इसे फॉर्म को ज़रूर फिलअप करें। आपका फुल नेम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका इससे क्या होगा, APPCET से जितने भी रिलेटेड अपडेट्स आपके ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर पे आएंगे। तो आपका फुल नेम, आपका ईमेल आईडी और आपका पर्सनल नंबर जो आप यूज़ करें, जिस पर आप SMS पाना चाहते हैं, ये डालें। और आप किस स्टेट से, जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं जैसे केरला का, तो केरला डाल सकते हैं। आप किसी और स्टेट के हो सकते हैं, वो डालें। किस सिटी से, मैं केरला के कोची की सिटी से, तो आप कोई और सिटी से हो सकते हैं। आप किस फील्ड में इंटरेस्टेड है, जैसे मैं लॉ में इंटरेस्टेड हूँ, आप किसी और में इंजीनियरिंग में हो सकता है, बीटेक में हो सकता है, जर्नलिज्म में होता है, मैं लॉ में हूँ तो मैं लॉ करता हूँ, आप जिसमें हो उसमें कीजिए। आपकी हायर क्वालिफिकेशन क्या है, मेरी हायर क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है, आपकी कुछ और हो सकती है, तो मैं गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करूँगा। इससे क्या होगा, आपके ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर पे APPCET से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे। तो इसे भरने के बाद कट कर दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे कंडक्टिंग बॉडी आर्या नगर जूना यूनिवर्सिटी। तो हम यहाँ पे येलो बॉक्स में आपको देख सकते हैं APPCET 2020 हैज़ बिन डिक्लेयर्ड इन 13th अक्टूबर, जो आज के दिन हुआ है। यहाँ पे क्लिक हेयर टू व्यू रिजल्ट। तो यहाँ पे क्लिक करती है, आप एक नए टैब पे आएंगे जो ऑफिशियल है, और इस पर रजिस्टर नंबर लिखा है और PCET हॉल टिकट नंबर लिखा है और डेट ऑफ बर्थ है। आप इस पर क्लिक करके आपका जो रजिस्टर नंबर होगा, जैसे 101 में, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूँ, उदाहरण के तौर पे, तो आप अपना लिखिए। यहाँ पे हॉल टिकट जो आपका रहेगा वो लिखिए, जैसे मेरा हॉल टिकट ये है, उदाहरण के तौर पे मैं ये लिख रहा हूँ। यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एक बार क्लिक करोगे तो आपको 10 मंथ्स के डिफरेंस में होगा। यहाँ पे आप करोगे तो यहाँ पे 10 ईयर्स की डिफरेंस में होगा। तो यहाँ पे जो भी आपका रहेगा आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, तो आगे पीछे करके यहाँ पे से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 2002 मार्च और 7। तो यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे व्यू रैंक कार्ड पे क्लिक करते ही आपका एक नया इंटरफेस आएगा जिस पे आपका रैंक कार्ड लिखा रहेगा। तो बेस्ट ऑफ लक। तो अगर आपको आपको कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट करें। तो उम्मीद है इस वीडियो ने आपकी सारी क्वेरीज को क्लियर कर दिया होगा। ऐसी वीडियो आपको फ्यूचर में चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक करें अगर वीडियो पसंद है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।